देखा करो, सब्सक्राइब करो, पर लाइक भी कर दो, मुझे भी पता चले चलो कि सर इतनी एफर्ट डाल रहे हैं तो बच्चे उसको लाइक करें तो हमें भी खुशी मिलेगी। और तो मुझे उसमें और कुछ नहीं चाहिए। आप किसी को मत शेयर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यश यश तेरा माइक बंद रख, बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, बंद रख तेरा माइक। चलो सारे बच्चे अपना माइक बंद रखो, किसका चालू है, सिर्फ मेरे अलावा किसी का चालू नहीं होना चाहिए, ताकि आप ओके। मैं पूछूंगा तब जवाब देना। चलो वेरिएबल एक्स मैं लिख रहा हूँ, वेरिएबल एक्स है मेरा ये 28, 35, 25, 24, 2020, 25 एंड 20, और ये 128, 140, 128, 140, 115, 120, 105, 122 एंड 100। ठीक है, इस तरह से। अब चलो किस बच्चे ने वेरिएबल एक्स का टोटल किया? चलो मैं कर नहीं देता हूँ। 177 खुशी कितना बेटा? 177 177। हाँ, और डिवाइड बाय सेवन बढ़िया। करेंगे तो आएगा 25.2। और सर वाई का 830। 830। चलो ओके, यहाँ तक। अब चलो सारे बच्चे को चांस देते हैं हम। कहाँ गया सबसे पहले आलोक? एक्स बार। तो चलो आलोक एक्स बार बोलेगा। आलोक एक्स बार की फॉर्मूला बोल। आलोक एक्स बार की फॉर्मूला बेटा। सर 25.285। 177 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, तो 25.285, अब 285। 285 यानी कि 29। ओके, फिर मैं बात करो वाई बार का। चलो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई अपॉन एन यानी कि 830/7। बोला आंसर। 118.567। पक्का नहीं? 514। 118.67 सेवन आएगा। 5.57। यस, 118.57। ये हाँ, ओके बच्चों। अब ये क्या है? u इज इक्वल टू x माइनस b। x माइनस, अब इसमें सबसे छोटा कौन है? चलो बी सबसे छोटा। 20। ओके, और इसमें सबसे छोटा x 100। यहाँ पर ले लेते हैं x माइनस 20 और v इज इक्वल टू y माइनस 100। ओके चलो, अब कौन बच्चा बताएगा? मैं बोलता हूँ, चलो यस को बोलते हैं। यस समीर, अब तू बोल, बहुत दिन बाद दिखा है। चल कैलकुलेटर हाथ में ले और मुझे आंसर दे। 20 माइनस 20। 8। ओके, 35 माइनस 20। 15। 25 माइनस 20। 5। 24 माइनस 20। 4। 20 माइनस 20। 0। 25 माइनus 20। 5। 0। 0। सर आप म्यूट हो गए हो। बोल नहीं पा रही हूँ।
या मैसेज टाइप कर दे तो पता चले क्या कहना चाह रहा है। मैसेज टाइप कर दे तो मैं पढ़ता हूँ चैट में। मैसेज टाइप कर, चल यस से कल तू आंसर दे तो पता नहीं कुछ माइक में प्रॉब्लम लग रही होती। यस चल आंसर दे तो। हाँ सर, क्या हो रहा है? किसका? का थर्टी सेवन। चल ये टोटल हो गया हमारे यू का, जिसे हम सिग्मा यू कहेंगे, सिग्मा यू 47। अब ये सही आया या गलत आया हम चेक करते हैं। चलो यस किसे आप b into n, b कितना है 20, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 20 × 7 कितना होता है 140। हाँ चलो यहाँ रख देते हैं 177 माइनस 140। यस करो क्या आंसर आ रहा है 37। बल्ले बल्ले राइट था, बल्ले बल्ले करेक्ट था। चलो इसका पहले से कर देते हैं d into n, तो d कितना है यस 100 और into n 700, तो यहाँ पर ये 700 यस कितना आंसर आएगा 130। तो मेरा सिग्मा b का आंसर 130 आना चाहिए, नहीं आता तो कुछ कर लग आ रहा है सर। यहाँ कैसे अभी करने थे, उससे पहले से पता चल गया आ रहा है सर। देखा गाइड लेके बैठ लिया। नहीं सर कैमरा ऑन करूँ कुछ किया आपके मेरी मेहनत तब तक ही अलग है। डाइजेस्ट वाले ने क्या 100 एजम्पशन ही नहीं लिया, इसलिए मैं एजम्पशन ये सारा लेता हूँ कि बच्चा सर मैंने कर दिया। गोपी का माइक ठीक हुआ है? गोपी बोलेगी यार, गोपी माइक ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा बेटा 128 माइनस 100 28, हाँ 140 माइनस 100 40, 115 माइनस 100 120 माइनस 100 105 माइनस 100 122 माइनस 100 22, 100 माइनस 100 0। हाँ अब गोपी चलो इसका टोटल करके बता 130 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर दे कैलकुलेटर में 28 40। हाँ सर 130 हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, हो रहा है, बल्ले बल्ले गया। चलो अब करते हैं यू स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी चलो 8 का स्क्वायर, कौन बच्चे बताएगा बताओ बताओ 64 हार्दिक को बोलने दे, हार्दिक चल बोल तो 64 64 2 2 5 yes 5 का 25 4 का 16 0 का 0 5 का 25 and 0 का 0। चलो ओके यूवी, यूवी यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हार्दिक वाग आया तू बता बेटा, हार्दिक वाग यूवी 824 ना 224 124 200 224 ओके हाँ 15 × 40 600 5 × 15 75 4 × 20 0 110 0 ओके अब चलो यू स्क्वायर का टोटल कौन करेगा? दिव्य पटेल तुम यू स्क्वायर का टोटल और करण तू यूवी का टोटल कर। दिव्य पटेल यू स्क्वायर का टोटल सर यूवी का टोटल है 1089।
सर यू स्क्वायर का 355 सर यू स्क्वायर क्या हुआ सर यू स्क्वायर का 355 नहीं आ रहा है 355 355 ही लिखा है हाँ तो सर सही है ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं अब इसमें वैल्यू पुट डाउन करते हैं एन कितना है चौवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेवन 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 सिग्मा यू बी ओके सिग्मा यू और सिग्मा बी सिग्मा यू सिग्मा बी एंड सेवन सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा यू होल स्क्वायर सिग्मा यू 37 होल स्क्वायर अब आपको चलो कौन बच्चा बताएगा इन लोगों की मल्टीप्लिकेशन करनी है कौन करेगा कौन करेगा ललित बहुत दिन हो गए बोले चलो ललित 7 × 1089 7623 बिल्कुल सही माइनस ललित 37 × 130 4810 यस 4810 ललित 7623 माइनस 4810 सेवन ट्रिपल 16 सर 2813 फिर नीचे 3116 20 माइनस 20 2813 तो पटेल टीप बताएगा और टीप 7 मल्टीप्लाई बाय 355 2485 आई उसको बोलने दो 37 का स्क्वायर 37 उसका स्क्वायर यस सर बोलने भाई यस सर हाँ बोलता हूँ पर वो यस बोलता है 136 अरे पर 1369 बाकी के बच्चे कहाँ हैं सिर्फ 15 बच्चे हैं बारिश के मजे ले रहे हैं चलो क्या आंसर आ रहा है इसका 1369 सर 2813 अपॉन 3116 2.52 2.52 ये बी का आंसर आ गया अब ए पर एप्पल ढूंढते हैं ए इज इक्वल टू y बार माइनस पी एक्स बार ठीक है अब इसकी फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं तो देखो बच्चों y बार कितना है बोलो तो कौन बच्चा बताएगा y बार किसको बोर्ड पे दिख रहा है y बार 118.57 118.57 माइनस बी बी का आंसर 2.52 और एक्स बार का आंसर 25.29 अब 118.57 माइनस चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 63.73
ये थर्ड डिजिट पांच से बड़ा है तो 84 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये मिल गया, अब हमें लाइन ऑफ बायोनेट्स करना है ना, थ्री लाइन ऑफ वाई सर 10 मिनट्स लेफ्ट, मैंने इसको खत्म करने दिए सम को ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब y cap is equal to, चलो एक आंसर क्या आएगा 54.84, b का 2.52 और x की जगह पर x ही हो गया y on x। अब x पे भी पुट डाउन करने का कहा है, देखो तो यस x की वैल्यू पुट डाउन करने का कहा है, कितना कहा है देखो तो, आप पढ़ो तो 300 सर 300 देखिए एक कहां गया एरा, क्या लिखा है ऑब्टेन दी, यहां पर ऑब्टेन दी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट दी यील्ड कॉटन पर हेक्टर इफ 300 क्या लिखा है फर्टिलाइजर इज यूज्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर ये रहा, ये ना मार देख मैंने अंगूठा रखा है कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है 10 केजी और उसको वेरिएबल एक्स है, ब्रैकेट में लिखा है 10 केजी, दैट मींस यहां पर ये जो 300 है ये देखो मैंने उंगली रखी है, तो एक्स की वैल्यू मैं 300 नहीं 30 रखूंगा। सर क्यों 30 रखेंगे, आप ध्यान से देखिए यहां 300 है तो आप एक्स की वैल्यू 30 क्यों रखेंगे, रीजन यहां है देखो मैंने अंगूठा ये अंगूठा रखा है मैंने कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर 10 केजी है, x 10 केजी यानी 300 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या है 30, इसलिए मैं x is equal to 30 रखूंगा, देखो रीजन के साथ में मैं बता रहा हूं। सर इसका आंसर माइनस में आ रहा है, इससे माइनस में आएगा बेटा, ये कितनी माइनस में रहे, अरे सॉरी सर मैंने ही माइनस कर दिया, चलो 54.84 प्लस 2.52 एक्स की जगह पे 30 तो y cap इज इक्वल टू 54.84 सर 130.44 75.6 और इसका प्लस करते तो 130.44 ये जो आंसर आया ना इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा पता है, ब्रैकेट में लिखा है क्विंटल ना, क्वेश्चन आए सर आपने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज वाई का आंसर आया वाई के पे यानी, और यहाँ पर ये लिखा है देखो ये क्विंटल्स दिख रहा है वाई का आंसर, इसलिए मैंने क्विंटल्स लिखा, ठीक है। चलो अब जो हॉस्ट है मीटिंग लेफ्ट करे, मैं इसको दूसरा सम सिखा रहा हूँ, कौन हॉस्ट था, यस